सिवनी जिला मुख्यालय से नागपुर जाने वाले NH7 मार्ग पर आज पुनः लंबे जाम की स्थिति बन गई। दरअसल कल देर रात से आरंभ हुई बारिश के बाद सड़क निर्माण कार्य कर रही दिलीप बिल्डकॉन द्वारा मार्ग निर्माण के लिए बनाए गए वैकल्पिक मार्गों पर दो दो फीट तक पानी भर गया, जिसके चलते वाहनों के आवागमन पर भी काफी असर पड़ा। कुरैसी लेकर ग्राम मोहगांव तक हजारों ट्रक बस सहित अन्य वाहन जाम में फंसे हुए थे। वहीं सिवनी कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा मार्ग में लगे जाम को समाप्त करने के लिए SDM एवं कुरई थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं।